मैं नवाब खैर बख्श मरी का बेटा हूं। मैं 2001 से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आ रहा हूं। बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। शुरुआत में हमने खाली हकूक़ के लिए यहां बात की। जितना भी पाकिस्तान फ़ौज ने अपना बाबरियत ज़्यादा किया बलूचिस्तान में, अभी हम ऑल आउट खाली बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं यहाँ पर। मेरा मैसेज अपने पश्तून भाइयों के लिए भी यही है, आप निजात हासिल करें इस पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान से। आप लोग हमसे भी ज़्यादा बड़े विक्टिम हैं पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान आप हमारे पश्तून भाइयों को इस्तेमाल करता है बलोचों के कत्लेआम में। FC सारा फ्रंटियर से आता है, ये बलोच पश्तूनों के बीच में नफ़रत ज़्यादा कर रहे हैं। पंजाबी अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पिंडी में मजाक उड़ा रहा है कि वो कैसे पश्तूनों को इस्तेमाल कर रहा है अपने बलोच भाइयों के खिलाफ इस्लाम के नाम पे। आप सोचते हैं कि ये जनरल, ये शराब पीने वाले जनरल, सिगार पीने वाले, कुत्ते गोद में रखने वाले मुसलमान हैं? वो जिना मुसलमान नहीं था, सारे दिन सुअर खाता था और वाइन पीता था। ये जनरल कहाँ से मुसलमान आए? पश्तून भाई, आप अच्छे मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं। इन लोगों को छोड़ें, ऐसे अल्फाज भी मुझे आते हैं जो मुनासिब नहीं है इंटरव्यू में बोलने के लिए इन जनरलों के बारे में। इनको छोड़ें, हम भाई हैं, हम हाथ मिला के कंधा ब कंधा साथ चलेंगे, बलूचिस्तान को आज़ाद करेंगे और पश्तूनों को भी पंजाबी के जंजीरों से आज़ाद करेंगे, और हमको मुश्तरका ये जदोजहद करना चाहिए। ये आज 13 मार्च है, मंडे। हम आए थे यहाँ पर, एक ब्रीफिंग हमने कंडक्ट किया जिसका टाइटल था द अफेक्ट्स ऑफ CPAC ऑन बलूचिस्तान। अफेक्ट्स तो सारे डेट्रीमेंटल हैं, बहुत ख़तरनाक हैं, और बलोच कौम के नस्ल खुशी का एक दूसरा लेवल का इब्तदा किया है चीनियों ने। पहले तो खाली पंजाबी थे, अभी चीनी भी हाथ मिला के पंजाबियों के साथ हमारे नस्ल खुशी में, न सिर्फ हमारे फिजिकल नस्ल खुशी में, हमारे कल्चरल का भी खुदकुशी हो रहा है, उसको भी मार रहे हैं, हमारे खाने को भी तबाह कर रहे हैं, हमारे लिबास के भी दुश्मन पैदा हो रहे हैं, बलूचिस्तान के बलोचों के वजूद को ख़तरा है। तो हम इसी पे हमने कॉन्फ्रेंस किया था, माशा बहुत अच्छा सक्सेसफुल लिया। एज़ यूजल ISI वाले आते हैं अपना थोड़ा कॉन्फ्रेंस को अड़ंगी देने के लिए, लेकिन वो सिर्फ अड़ंगी तक रहता है और कोई कामयाबी इनको हासिल नहीं होगा। ये पिंडी नहीं है, ये क्वेटा नहीं है, ये कराची नहीं है, ये जिनीवा है। तो पंजाबियों के रसूख यहाँ पर नहीं चलेंगे जी। हमारे कॉन्फ्रेंस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन आए थे, मिस्टर रिचर्ड चानिस्की। वो बहुत बड़े शख्सियत हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, और उन्होंने ये भी हमसे वायदा किया कि वो रिव्यू करेंगे वो मिलिट्री और जितना एड यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान को जाता है। उनके इलम में है कि ये एड बलोचों के नस्ल खुशी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और बलोचों को ग़ुलाम रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें, एक वजह बिल्कुल ये भी है कि ये पंजाबी और चीनियों के उनका एक जॉइंट वेंचर बलूचिस्तान पर। मेन वजह वो नहीं है, मेन वजह है कि ये इलीगल प्रोजेक्ट है। ये सरजमीन बलोचों का है बलूचिस्तान, ऊपर CPAC का गिलगित बल्देस्तान है, वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो पंजाबी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो एक इलीगल प्रोजेक्ट है, आप किसी और के ज़मीन पर घर बनाएंगे तो आपको डिमोलिश करना होगा। वो तो आपका ज़मीन पहले ख़रीदें, फिर उसके ऊपर आपको इमारत बना दें। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्शन है कि इलीगल प्रोजेक्ट है, इसको रोका जाए। जब ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, बलूचिस्तान आज़ाद होगा, हम 10 CPAC बना लेंगे। कोई वजह, हम दुबई से भी आगे एडवांस होना चाहते हैं, हम कोई स्टोन एज में रहना नहीं चाहते। जैसे हाफिज़ सईद चाहता है कि हम अपने बच्चों को मदरसों में भेजें, नहीं, हम अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, हम इंग्लिश करिकुलम पढ़ाना चाहते हैं। हम कोई हाफिज़ सईद के मदरसे में वो सर हिला के, जो उनको नज़र भी नहीं आता, वो आँख भी ख़राब हो जाते हैं, दिमाग के साथ आँख भी ख़राब हो जाते हैं बच्चों के जब पंजाबी करिकुलम पढ़ते हैं मदरसों में।
सर, ये बलोच नेशनलिज्म आपके ख्याल में क्या है? जी, बलोच नेशनलिज्म मेरे ख्याल में अभी बलोच के सर्वाइवल का इशू है। बलोच का वजूद ख़तरे में, बलोच का नस्ल ख़तरे में, मैं तो कह रहा हूँ हमारे लिबास भी ख़तरे में। हम अपना दाढ़ी अपने जैसे रख नहीं सकते हैं कि हमको पंजाबी बनना होगा। पंजाबी असिमिलेट कर रहा है, हमको चूस रहा है, जज़ब कर रहा है अपने गंदे नापाक अजायम के तहत। हम बिल्कुल उससे निजात हासिल करना चाहते हैं। हर बलोच इवेंचुअली बलोच नेशनलिस्ट है, मीनिंग वो ज़िंदा रहना चाहता है, अपना वजूद को बरकरार रखना चाहता है। सर, ये लोग ये कह रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान की कोशिश है, पाकिस्तानी स्टेट की, कि बलूचिस्तान की जो बलोच नेशनलिज्म है उसको तबलीगियों के ज़रिए या मज़हब के ज़रिए इसको डाइवर्ट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा वाकई कोशिश की जा रही है स्टेट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से? जी, ये अभी से नहीं, ये जब रूसी मौजूद थे अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में उस वक्त से, वो तालिबान नहीं थे वहाँ पर, मुजाहिदीन वक्त से भी इन्होंने इनक्यूबेटर्स बनाए हुए थे, जो जो अंडा बगैर वो मुर्गी के बच्चे दे रही थी, ये पंजाबियों ने बलोचिस्तान में तब से बनाया। अभी तो बड़े बहुत काफ़ी बड़ा मुर्गी हाफिज सईद बैठा हुआ है कि हज़ारों अंडे से बच्चे निकल आते हैं जिहादी। तो इनका बलोच नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए, बलोच का दिमाग को मुबतला करने के लिए इसी जिहादी मैंटेलिटी में कि अपने बलोचिस्तान को भूल जाए, वो जन्नत जाने का रास्ता ढूंढे, खुदकुश बम्बार बन जाए, ISI के नक्शो कदम पे चले। सर, पाकिस्तान से आपका मुतालबा क्या है और पहला मुतालबा क्या होगा? मेरे मुल्क से निकल जाओ भाई, जाओ अपने नॉर्थ, अपना खेती बाड़ी करो। आप आज़ादी चाहते हैं? विदाउट अ डाउट हम आज़ादी चाहते हैं, वो हमारा हक है। हम कुछ अपने हक से आगे कुछ नहीं मांग रहे हैं। इसको किस तरह हासिल करेंगे अपने हक को? बहुत फर्क तरीके अपनाने होंगे। हम तो इधर यूनाइटेड नेशन में कोशिश करें कि मोस्ट सिविलाइज तरीके से हासिल हो जाए, रेफरेंडम के थ्रू, यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के थ्रू, सुपर पावरों के इंटरवेंशन के थ्रू। पंजाबियों को बोले बिस्तरा पैक करके, भाई जाओ अपना पाकिस्तान उधर बनाओ, तुम्हारा पाकिस्तान 71 में टूट गया, पाकिस्तान तो बांग्लादेश था, अपने पंजाबिस्तान को संभालो, नहीं तो वो भी तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। सर, जिसको किल एंड डंप पॉलिसी कहते हैं, क्या वाकई ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है वहाँ पे जिनोसाइड में, और किस तरह इन्वॉल्व है? अनलेस कोई गैबी पावर ऊपर आसमान से आके इंसानों को उठा के फिर उनके लाश पैक करे, SIFC कर रहे हैं, ISI कर रहा है, MI कर रहा है, ये खौफ फैलाने के लिए। ये इन्होंने बंगालियों के साथ भी किया, अभी ये 4 महीने से हमारे बीवी बच्चों को ले जा रहे हैं, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बूढ़ियों को ले जा रहे हैं, टॉर्चर सेल्स में रख रहे हैं। इसका अंजाम पहले भी इन्होंने खाया, जनरल न्याजी के पतलून गीले हो गए थे जब जनरल अरोरा को देखा, ये भी अभी इंशाल्लाह बलोचों को देखेंगे ना, इन संतरियों का भी यही हाल होगा। ये अपने को मुसलमान बोलते हैं, ये हैवानों से भी ज़्यादा गंदे इखलाक वाले। सर, एक आम पंजाबी के लिए आपका क्या मैसेज है, जिसको पता नहीं कि बलूचिस्तान इशू क्या है, उसको यानी अंधेरे में रखे क्या है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? आम पंजाबी गरीब तो ऐसा ही पिसा है जैसे आम बलोच पिसे हुए हैं ना, आम पंजाबी का कसूर नहीं है, एक कसूर है, वो थोड़ा अपना अवेयरनेस याद करें, वोट ना दें, इनको खिलाफ इत्तेजाज करें। आम पंजाबी को नहीं बोला कोई बंदूक उठाएं, आप इस बलोच जेनोसाइड, बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ तो बुलंद करें ना, आपको कभी नहीं मारेंगे, पंजाबी पंजाबी को कभी नहीं मारेगा। सर, आखिरी सवाल, अगर पाकिस्तान आपसे बात करना चाहे इशूज़ पे, टेबल पे बैठ के, तो क्या आप बात करेंगे? अगर हम बात करने के लिए तैयार ना होते तो हम यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग के सामने खड़े होके इतने अभी बात नहीं करते। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, अगर वो तैयार हों, वो तो बात नहीं, वो कब्ज़ा को बरकरार रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि UN को जो सिक्योरिटी वायलेशन हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं बलोचिस्तान में, उसके लिए कोई टीम भेजनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? डेफिनेटली, हम तो UN को इसीलिए आते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन का मैकेनिज्म बना इसीलिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बना है। जब कोई मुल्क कब्जा करे, जब इराक ने कुवैत पे कब्जा किया तो पूरे रेजोल्यूशन पास हो गए इराक के खिलाफ, फिर इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुआ। हम तो इसी को बोल रहे हैं भाई, हमारा 70 साल गुजर गया, आप इन्वेस्टिगेशन करें, अगर वो उनका कसूर पाकिस्तान का है जो हमको कब्जा किया, आप इंटरनेशनल इंटरवेंशन करें, फौज उधर भेजा, फौज पाकिस्तान पर भेजें, बलूचिस्तान को वापस आज़ादी दिला दें, जैसे आपने कुवैत को दिलाया। सर, आपका मैसेज क्या होगा अपने बलूचों को आखिर में? जे वो जितना भी मारें, जितना भी डंप करें हमारे जवानों के बॉडियों को, जितना भी हमें औरतों बच्चों को ले जाएं, हिम्मत नहीं हारें। पंजाबी हारने वाला कौम है, पंजाबी बांग्लादेश में उसने अपना खाया था, अभी बलूचिस्तान में भी खाएगा। हंसें, मुस्कुराएं, खुश होएं, और कभी खौफ पंजाबी का दिल में ना लाएं, कि वो डरने वाली चीज़ ही नहीं है, उसे डरे ही नहीं।
सर पश्तून टाइम से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।